भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट बेहद रोमांचक होता चला जा रहा है। जी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 326 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के शुरुआती दो झटके 8 रन के अंदर ही लग चुके थे, लेकिन उसके बाद पुजारा और विराट ने मिलकर पारी को संवारा और करीब 75 रनों की जानदार साझेदारी कर दी। इस साझेदारी के दम पर भारत ने अपना स्कोर 80 के पार करा लिया, लेकिन चाय काल के बाद चेतेश्वर पुजारा जो काफी सेट नजर आ रहे थे वो 24 रन बनाकर आउट हो गए हैं। जी हां, बता दें आपको कि स्टार्क की बाहर जाती हुई गेंद लेग साइड पर पुजारा पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेटकीपर कप्तान टिम पेन के हाथ में चली गई, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा का विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है। यानी कि भारत के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। हालांकि विराट कोहली फिलहाल क्रीज पर है, लेकिन अभी भी कोशिश यही होगी भारतीय टीम की कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लिए जाएं, पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, क्योंकि अगर यहां पर एक विकेट और मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया को तो भारत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इस घास भरी पिच पर खेलने का अनुभव ज़्यादा खिलाड़ियों को है नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से भारत कितने रन और बनाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।